इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार में पर्यटन के बारे में, जो कि करंट टॉपिक से जोड़ के आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और ये खास करके जो भी बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं या बिहार के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये गोल्डन वीडियो होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बिहार शुरुआत से ही अपनी ऐतिहासिक विरासत, चाहे आप बात कर ले सांस्कृतिक विविधता के बारे में या जैविक विविधता के बारे में या धार्मिक वैभव के बारे में, और यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता के कारण यहाँ पे क्या होता है कि पर्यटकों का सबसे आकर्षण का केंद्र रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बिहार में पर्यटन के बारे में। तो आपको बता दूं कि बिहार राज्य के सभी जिला में बनाए जाएंगे पर्यटन स्थल, जो कि पर्यटन केंद्र के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। इसकी घोषणा जो है हाल ही में बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया। अगर बात किया जाए पर्यटन विभाग के अभी मंत्री कौन है बिहार सरकार में, तो ये करंट टॉपिक हम जोड़ के पढ़ा रहे हैं। तो अभी है नारायण प्रसाद अभी 2022 में हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये बाद में देखिए तो कहिए कि ये 2022 का वीडियो है, और ये इसमें हम लोग पर्यटन के बारे में एस्थेटिक भी देखेंगे, यानी कि बिहार पर्यटन का क्या जीके है, इसका क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर जो ये पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा, सभी जिला में बनेगा ऐसा घोषणा किया गया है, तो आखिर ये पर्यटन केंद्र पर आखिर सुविधा क्या मिलेगा। तो जो पर्यटन केंद्र बनेगा वहां पे, जो भी पर्यटन जिला में बनेगा पर्यटन केंद्र के रूप में, वहां पे आवागमन के साधन हो या भोजन से संबंधित और ठहरने की व्यवस्था के बारे में वहां पे सटीक जानकारी मिलेगा। आखिर आपको कहाँ पे भोजन मिल सकेगा, कहाँ पे रुकने की व्यवस्था होगा, ये सब पर्यटन केंद्र पर वहां पे जानकारी मिलेगा। दूसरा अगर बात किया जाए कि यहाँ पे ऑनलाइन सुविधा का भी मुहैया कराया जाएगा। अब ऑनलाइन से क्या फायदा होगा, तो देखिए ऑनलाइन जो सुविधा अगर वहां पे मिलता है जो पर्यटन केंद्र में, तो अगर आप लोग कहीं से आते हैं, अन्य राज्य से आते हैं, रेलवे के माध्यम से आते हैं, तो आपको तो रेलवे जाने के वक्त भी तो रेलवे का टिकट चाहिए, तो रेलवे का टिकट हो जाएगा, या हवाई जहाज का, या बस टिकट, या टूर एंड ट्रेवल्स। जैसे टूर एंड ट्रेवल्स का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका एक ही बार बुकिंग हो जाएगा, खाना रहना और घुमाने का सब व्यवस्था किया जाएगा। तो ये सब जानकारी कहां से मिलेगा, पर्यटन केंद्र से। इसके अलावा अगर बात किया जाए पर्यटन केंद्र से और क्या क्या व्यवस्था रहेगा, तो देखिए यहाँ पे वाईफाई सुविधा भी मिलेगा यहाँ पे, यानी कि वाईफाई सुविधा से लेस रहेगा वो जो केंद्र रहेगा। और यहाँ पे एक और चीज जान लीजिए कि यहाँ पे वाहन यानी कि गाड़ी जो घुमाना होगा, मान लीजिए कि अन्य राज्य से आते हैं यहाँ बिहार में, तो आपको घूमने के लिए वाहन का भी मुहैया कराया जाएगा, टूर पैकेज भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो पर्यटन केंद्र से जो स्थानीय पुलिस को भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि देखिए अगर अन्य राज्य से कोई आते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए प्रशासन भी उनको इमरजेंसी के टाइम में उनके लिए हमेशा मदद करेगा। और चौथा पॉइंट आता है इसमें पर्यटन केंद्र में क्या क्या रहेगा, तो गाइड का भी सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। गाइड का मतलब होता है कि आपको अगर घूमना है तो उस जगह के बारे में आप तो नहीं जान रहे, मगर जो लोकल आदमी रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, वो आपके उसके बारे में सब बढ़िया से बताएगा। यानी कि गाइड का मतलब होता है बताने वाला बोलिए या घुमाने वाला बोल सकते हैं, यानी कि ये आपको बताएगा घुमाएगा। अगला आता है कि जो पर्यटन केंद्र अगर बन जाएगा तो वहां पे पर्यटन विभाग का वेबसाइट होता है, वहां पे अपडेट करने की बात किया जा रहा है। ऐसे भी अपडेट है अभी बिहार टूरिज्म, बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं बिहार टूरिज्म का, क्योंकि बहुत सारा वो सीखने का वहां से हम लोग प्रयास करते रहते हैं। तो बिहार टूरिज्म का जो वेबसाइट होता है वहां पे और अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि देश विदेश से लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं तो वहां पे उनको सटीक जानकारी मिल सकेगा, और वहां पे वीडियो वगैरह भी मुहैया कराया जाएगा। अब बात किया जाए कि बिहार में प्रमुख पर्यटन केंद्र कौन कौन होते हैं। देखिए बिहार में प्रमुख पर्यटन केंद्रों में अगर बात किया जाए तो आपका पटना आ जाएगा, पटना प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक होता है, नालंदा हो जाता है, राजगीर भी हो जाएगा, बोध गया आता है भाई, और वैशाली हो जाएगा, सासाराम, पावापुरी, वाल्मीकि नगर और मुंगेर। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में है, क्योंकि बताए ना कि ये बिहार जो है ना आकर्षण का केंद्र है। और बोले अभी कि वेबसाइट को क्या कर दिया जाएगा, उसको अपलोड मतलब अपडेटेड कर दिया जाएगा, ताकि उसमें वीडियो वगैरह भी चढ़ाया जा सके। अब देखिए पर्यटन से जुड़ा हुआ बिहार की खबर हम बताते हैं। हाल ही में बिहार में यह चर्चा में रहा था, बोला गया बिहार सरकार के द्वारा कि इको टूरिज्म के तहत 8 जो पर्यटन स्थल है उसको विकसित किया जाएगा। उसमें अगर शुरुआत में काम करने की बात किया जाए तो राजगीर में होगा, वाल्मीकि नगर में, और इसके तहत बोला गया है कि आपका पूर्वी
चंपारण हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, कैमूर वाला इलाका, नालंदा, राजगीर हो जाएगा, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकि नगर, गया, यहाँ पे काम शुरू करने का निर्णय ऐसा बिहार सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि हाल ही में 8 को पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा, ताकि क्या हो जाए वहां पे स्थानीय रोजगार, जैसे जो भी नजदीक के लोग हैं उनको रोजगार मिल सकेगा और पर्यटक की संख्या बढ़ सकेगा। अगर व्यवस्था बहुत अच्छा से रहता वहां पे तो पर्यटक अपने आप है कि वहां पे लाभुक होंगे, वहां पे आएंगे तो उनको लगेगा कि नहीं हम वाकई में घूमे हैं यहाँ पे। अब बात किया जाए कि पर्यटन स्थल अगर विकसित हो जाता है, अगर बन जाता है तो इससे फायदा क्या होगा। तो पहला कि राज्य में भीले टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा। राज्य में भीले टूरिज्म का मतलब क्या होता है कि देखिए भीले टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा तो इससे क्या हो जाएगा कि जो स्थानीय जो खान पान होता है ना, स्थानीय खान पान जो वहां का लोकल जो खान पान होता है उसमें बढ़ावा तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा वहां की संस्कृति के बारे में भी लोग जान सकेंगे। पर्यटन क्षेत्र को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा ताकि क्या हो कि जो एरिया से वो बिलोंग करता, मान लीजिए कोई पर्यटन क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कि औरंगाबाद की बात किया जाए तो यहाँ पे देव सूर्य मंदिर है, तो देव सूर्य मंदिर है तो देव सूर्य मंदिर क्या है, अगर मान ली इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाएगा तो लोकल आदमी वहां के बारे में कैसे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या विभिन्न तरह का जो सोशल मीडिया है वहां पे अपडेट कर सकेंगे। तो पर्यटन क्षेत्र को इंटरनेट से भी जोड़ा जाएगा, स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, स्थानीय जो लोग हैं यानी लोकल लोग हैं उनको रोजगार भी वहां पे जोड़ा जाएगा, यानी कि कुछ वैसा बनता है मान लीजिए कहीं पे झूला टाइप का जो बनता है या कहीं पे तालाब जैसा है तो वहां पे उनको रोजगार भी मिलेगा। और अगला पॉइंट आता है कि हर ऐतिहासिक चीजों को दर्शाया जाएगा, जैसे हर ऐतिहासिक चीजें के बारे में, जैसे मान लिया जाए कि हम बात करें कि सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है तो उनको बारे में भी लोगों को बताया जाएगा, स्थानीय कलाकारों को भी जोड़ा जाएगा, यानी कि जो लोकल कलाकार, देखिए लोकल कलाकार क्या करेंगे कि वहां के जो पुराना, नया वाला नहीं, जो पुराना जो कला है वहां का, वहां के बारे में जानकारी कौन देगा, जो लोकल कलाकार है, स्थानीय कलाकार है, या वहां के संस्कृति के बारे में कौन बताएगा, तो वहां के स्थानीय कलाकार ही बताएगा, तो उनको बढ़ावा दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा उनको, ताकि वहां के बारे में वो उनको बता सके। अब देखिए अब पर्यटन, यहां से आप लोगों को बिहार मेंस में भी आप लोगों को सवाल देखने को मिलता है, बिहार मेंस में यहां से पेपर बहुत अच्छा आएगा लिखने के लिए। तो समझना है पर्यटन शब्द का जो प्रारंभिक प्रयोग हुआ था 17वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है ऐसा कि पर्यटन जो शब्द था इसका प्रयोग हुआ था 17वीं शताब्दी के मध्य में। पर्यटन को शुरुआत में मनोरंजन की तरह देखा जाता था, मगर अब पर्यटन को देखिए वहां से शिक्षा की तरह, शिक्षा करने का मतलब है कि अब एग्जाम वगैरह में भी देखे ना कि पर्यटन से जुड़ा हुआ बोलेगा महाबोधि मंदिर कहाँ है और बोलेगा कि गुरपा मंदिर कहाँ है, तो ये सब कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सब शिक्षा वगैरह रिसर्च भी होता रहता है। इसके अलावा धार्मिक पुण्य लाभ भी पर्यटन से जुड़ा हुआ, लोग बोलते हैं कि इस मंदिर के पास जाने से आपका दुख दूर हो जाएगा, तो ये सब धार्मिक पुण्य लाभ भी है। व्यापार का प्रमुख साधन हो गया है, व्यापार का प्रमुख साधन, क्योंकि आसपास का जो एरिया होता है वहां पे अगर मान लीजिए कोई मंदिर है तो वहां पे आवागमन ज्यादा होने लगता है, लोग आते जाते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, विदेशों से आते हैं, इससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ता है। बिहार शुरुआत से ही जो है अपनी जो ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है और यहाँ पे बहुत प्राकृतिक सुंदरता है, यानी देखने के बाद लगता है कि हाँ वाकई में यहाँ पे घूमने लायक है, तो ये शुरुआत से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। पर्यटन का महत्व अब वर्तमान स्थिति में अगर बात किया जाए ये बढ़ गया है, क्योंकि यह पहले तो मनोरंजन की तरह देखा जाता था, परंतु अब सभी देशों में, ऐसा नहीं कि केवल बिहार या भारत में, बिहार राज्य में नहीं बात करें, हम सभी देशों की बात करें, वहां पर रोजगार की तरह इसको देखा जाने लगा है और आय का महत्वपूर्ण स्रोत, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला चीज में से आ जाता है पर्यटन। अब अगला पॉइंट आता है कि बिहार सरकार पर्यटन को उद्योग का भी दर्जा दे चुका है। पूछता है सवाल कि बताइए बिहार सरकार क्या पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, तो जी हाँ ये पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी जगह, देखिए यहाँ पे तख्त श्री हरमिंदर साहिब जो कि पटना साहिब में है, ये घोड़ा कटोरा झील है जो कि राजगीर में देखने को मिलेगा, ये महाबोधि मंदिर है ना, तो ये सब देखने के बाद आप लोगों को एक अलग अनुभूति होगा। यहाँ पे गोलघर देख सकते हैं, पटना वाला है। अब देखिए पर्यटक में इजाफा है, हम बताए ना कि इसमें करंट अफेयर भी जोड़ देंगे, बिहार करंट अफेयर, और स्टेटिक भी जोड़ देंगे, यानी कि बिहार जीके भी जोड़ के पढ़ाया जाएगा।
तो आपको बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, उसमें बोला गया कि पिछले 5 सालों की अगर बात किया जाए तो बिहार में 50% पर्यटक बढ़े हैं, वहीं विदेशी पर्यटक की संख्या में 31% इजाफा हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा है, बताइए कि पिछले 5 साल में केवल दुगना हो जाता है, 50% बढ़ जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे सुधार हुआ होगा। अब प्रदेश में हर वर्ष लगभग 3.5 करोड़ सैलानी भ्रमण करते हैं और विदेशी पर्यटक लगभग 8 लाख से बढ़कर कितना हो गए हैं, लगभग 11 लाख हो गए हैं, ऐसा ये आंकड़ा दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। इसमें राज्य के पर्यटन विकास के विभिन्न योजनाओं पर 145 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। तो यहाँ पे खर्च जो पर्यटन के लिए बिहार सरकार के द्वारा किया जाता रहा है। अब देखिए, अब बात किया जाए कि बिहार में पर्यटन स्थलों को विभिन्न सर्किट के रूप में दर्शाया गया है। अब विभिन्न सर्किट में क्यों दर्शाया गया है, ताकि देखिए ये इसलिए दर्शाया गया है ताकि जो बिहार से बाहर के लोग रहते हैं या विदेशों में लोग रहते हैं तो उनको पता चल सके, उनको सटीक जानकारी, जो सटीक जानकारी बोलते हैं ना, यानी कि उनको वाकई में जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पे जाने के बाद उनको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, तो और उसके बारे में उस सफर का मतलब अच्छा से आनंद ले सकेंगे या उनको जानकारी मिल सकेगा। तो यहाँ पे सर्किट के अनुसार जो हम बांटे हैं, यहाँ पे रामायण सर्किट भी देखने को मिलेगा, जैन सर्किट भी है बिहार में, बौद्ध सर्किट भी है, सूफी सर्किट है, सिख सर्किट है यानी सिख धर्म से भी जुड़ा हुआ सर्किट है, गांधी सर्किट है, शिव शक्ति सर्किट है, तो ये सब बिहार में देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो पटना जो है ना, पटना में तो पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुम्हरार पार्क देखने को मिलेगा जो कि पटना में ही है, मनेर शरीफ यहाँ पे देखने को मिलेगा, तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब में है, पटना साहिब, तो गांधी घाट भी है जो कि नाइटी घाट के पास है, खुदा भक्स ओरिएंटल लाइब्रेरी है, गोल घर यहीं पे देखने को मिलेगा, गोल घर भी आप लोगों को पटना में ही देखने को मिलेगा जो कि बिहार की राजधानी है, बुद्धा स्मृति पार्क जो कि आप लोगों को स्टेशन के पास मिलेगा, और गांधी मैदान में जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है वो भी अपने आप में एक अनोखा है। तो आप लोगों से सवाल पूछेगा कि बताइए कि गोल घर बिहार के कौन सा जिला में है, तो आपका सही आंसर पटना चला जाएगा। इसके अलावा बोलेगा कि कुम्हरार पार्क बिहार के कौन सा जिला में है, तो पटना जिला में है, तो ये स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लीजिएगा। अब आता है इसके बाद बिहार टूरिज्म से ही जुड़ा हुआ है गया इलाका, पटना के बाद गया जो है ना सबसे अव्वल दर्जा पे आता है। यहाँ पे डुंगेश्वरी मंदिर देखने को मिलेगा गया में, विष्णुपद मंदिर देखने को मिलेगा, बोधि ब्रिज जो गया में बोधि ब्रिज है वो अपने आप में अनोखा है, महाबोधि मंदिर भी गया में ही है, तपोवन बोलेगा कि तपोवन कौन सा जिला में है, तो गया जिला में, माया सरोवर ये भी गया जिला में देखने को मिलेगा, गुरपा पर्वत है जो कि आप लोगों को गया में ही देखने को मिलेगा, 80 फीट का बुद्ध का प्रतिमा यहाँ पे विदेश से लोग, जापान वगैरह चाइना वगैरह से लोग देखने के लिए आते हैं, तो बिहार जो पर्यटन के लिए सबसे मतलब की बेस्ट मतलब जगह है। तो आप लोग बिहार के अलावा अगर कोई अन्य राज्यों में रहते हैं तो वहां से आप लोग जरूर एक बार विजिट करिए, और बिहार में बहुत ही आप लोगों को एक शांति की अनुभूति होगा, खास करके गया वाला इलाका में जरूर आइए आप लोग, आपका वेलकम रहेगा बिहार में। और सुजाता कुटीर जो है ना ये भी आप लोगों को गया में देखने को मिलेगा। अब वैशाली को तो कहना नहीं है, वैशाली तो शुरुआत से ही ये जो बोला जाना प्राचीन समय से ही बहुत अव्वल दर्जा पर रहा है। यहाँ पे विश्व शांति स्तूप आप लोगों को वैशाली में देखने को मिलेगा, राजा विशालगढ़ जो है ये भी कहाँ पे है, वैशाली में है, अशोक स्तंभ भी आप लोगों को वैशाली में देखने को मिलेगा, भगवान बुद्ध का जो अस्थि कलश है ना, अस्थि कलश तो मतलब हाथ में लिया हुआ कलश, वो भी आप लोगों को वैशाली में, और इसके अलावा चौमुखी जो महादेव मंदिर है वो भी आप लोगों को वैशाली में देखने को मिलेगा, अभिषेक पुष्पकर्णी जो पुष्करणी झील जो है ये भी वैशाली में। तो सवाल देखिए ढेर सारा है, ये वीडियो हम लाए हैं आप लोगों को ताकि आप बिहार को जान सकें और आपका एग्जाम में सवाल बन सके। तो आप लोगों से सवाल पूछेगा कि बताइए अशोक स्तंभ बिहार के कौन सा जिला में है, तो वैशाली जिला में है। अब आता है दरभंगा जिला, तो दरभंगा जिला में दरभंगा किला बहुत फेमस है, तो आप लोग दरभंगा से हैं तो जरूर दरभंगा किला के बारे में आप लोग जाइए फेसबुक पेज पे या व्हाट्सएप वगैरह पे जरूर बताइए। अहिल्या स्थान भी आप लोगों को दरभंगा से ही जुड़ा हुआ है, श्यामा माई मंदिर है दरभंगा में जो कि बहुत ही फेमस है, और बेला प्लेस जो कि दरभंगा में है, लक्ष्मीश्वर जो प्लेस है वो भी दरभंगा में है, और एक है मनोकामना मंदिर, एक चौमुखी मंदिर होता है जो कि वैशाली में है, और मनोकामना मंदिर जो कि दरभंगा में है। और हम स्पेशल धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार टूरिज्म को, क्योंकि वहां से हम बहुत सारे चीज सीखते आए हैं और आप लोग भी वहां से जाके सीख सकते हैं, तो स्पेशल थैंक्स रहता है बिहारी योद्धा की तरफ से बिहारी टूरिज्म को।
अब देखिए इसके अलावा अगर देखिए हम हर जो भी वीडियो लाते हैं उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं, और हम जल्द में आप लोगों को लाइव बिहार जीके का क्लास हम लेने वाले हैं। लाइव सेशन रहेगा और बिहार जीके का क्लास रहेगा, और बिहार जीके में हम दोनों क्लासेज लेके आएंगे आप लोगों के लिए। एक थ्योरी सेशन भी एक तरफ रहेगा, और एक तरफ थ्योरी के साथ में ही आप लोगों को लिए MCQ फॉर्मेट में भी सवाल लाएंगे। तो बहुत सारा धमाका होने वाला है आप लोगों के लिए, और साथ में स्टैटिक जीके भी। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पे बहुत सारा फैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए सवाल बोल रहा है तख्त श्री हरमिंदर साहिब का संबंध किस सिख गुरु से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह से संबंध है। निम्न में से कौन सा बिहार पर्यटन का प्रतीक चिन्ह है, जब बिहार पर्यटन का लोगो देखिएगा उसमें तो वहां पे आप लोगों को पीपल का वृक्ष देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट हो जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में बात किया जाए तो कौन से नाम से मानचित्र तैयार किया गया है, ताकि आप यहीं से पता चले कि कौन कौन सा जगह है जहां पे आपको घूमना चाहिए। तो इसका नाम है ए जर्नी थ्रू बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट हो जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग जाइए कमेंट सेक्शन में, वहां पे अपनी कीमती समय निकाल के वहां पे जाकर अपनी राय जरूर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ये वीडियो और हम कंटिन्यू करेंगे, और पर्यटन से संबंधित और वीडियो आप लोगों के बीच में ले जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर लाइक करिए, और किसी भी तरह का अगर डाउट रहता है तो इस दिए गए नंबर पे आप लोग जाइएगा, वहां से संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों को तो इस ईमेल आईडी पे आप लोग भेजिए, वहां से आप लोगों को समस्या दूर किया जाएगा। तो ये था पूरा वीडियो जो कि बिहार पर्यटन के बारे में हम समझाने का प्रयास किए, और साथ में हम करंट इश्यू को भी इससे जोड़ दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार योद्धा।